कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये देखिए भीड़, लग गई। ओ माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, रुको, आपकी दूर मत करो। अरे अरे अरे, लाइट मार हो गया। नमस्कार, ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर हमला हो गया है। ये स्वास्थ्यकर्मी किसी से लड़ने नहीं गए थे बल्कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने गए थे, उनका जीवन बचाने गए थे, लेकिन उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों पर गांव वालों ने हमला कर दिया लाठी डंडों से। घायल भी हो गए इसमें एक दो लोग जिनके सर से जबरदस्त खून निकला है, सर फूट गया उनका। नमस्कार, स्वागत है आपका एनपी तक पर, मैं हूं रवीश पाल सिंह। ये वीडियो जो भी आपने देखा ये उज्जैन जिले का है। उज्जैन जिले के उनेल क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मालीखेड़ा, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आज गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने पहुंची, लेकिन गांव का कोई शख्स वैक्सीन लगवाने को तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में जब स्वास्थ्यकर्मी उन्हें समझाने लगे तो गांव वाले भड़क गए और उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद टीम वहां से भागी। भागने का करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, उसमें आप सुन सकते हैं कि कैसे जो स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मी है जो जीप में मौजूद है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही है और वहां से वो टीम गांव के बाहर की तरफ जाते हुए साफ तौर पर दिख रही है। ये मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ने 4 लोगों पर कार्रवाई की है। क्या कहना है ग्रामीण एएसपी का वो सुन लीजिए। देखिए, थाना उन्हेल के ग्राम मालीखेड़ी में आज टीकाकरण के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस की टीम वहाँ पर गाँव के लोगों को समझाने गई थी कि टीकाकरण कराना आवश्यक है, वो अपनी जान और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहां से भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में वहां के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हेल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तो सुना आपने, उज्जैन से हमारे संवाददाता है संदीप कुलश्रेष्ठ, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है हमें। इसमें उन्होंने पुलिस का ये बयान भी भेजा है, ग्रामीण एएसपी हैं ये जिन्होंने ये बाइट दी है भूरिया जी ने। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं है, हेल्थ कर्मियों पे यानी स्वास्थ्य कर्मियों पे कोरोना वॉरियर्स पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। पिछले साल आपको याद ही होगा इंदौर में जो घटनाक्रम घटित हुआ था, चारों ओर से उसकी निंदा हुई थी, बड़ा एक्शन लिया था उस पर, रासुका लगाई गई थी उन लोगों पर जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया था, वो पहला मामला था देश का। लेकिन लगता है एक साल बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है और अब उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो कि कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन उन्हें लगाने पहुंच रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर गांव वाले वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार उनके मन में वैक्सीन को लेकर इतना बड़ा डर कैसे आ गया,